रुक, मुझे ना तुझपे पहले ही शक था। मैडम क्या बात होगी? तूने मेरा फोन चोरी करा ना? कहाँ है मेरा फोन, निकाल। मैडम मैंने आपको कोई फोन चोरी नहीं करा, अब फालतू ब्लेम लाने लग रही हो। मुझे ना कोई गलत फहमी नहीं हो रही है, तूने ही मेरा फोन चोरी करा है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। कहाँ है मेरा फोन, निकाल। भैया शर्मा इंटरप्राइज से लोगे? मैडम आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली ना ये कैब ऑलरेडी बुक्ड है, आप कोई और कैब कर लो। भैया प्लीज ऐसे मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, आज मेरा इंटरव्यू है और कोई कैब भी नहीं आ रही। भैया प्लीज ड्रॉप कर दो ना। कोई बात ना भाई, बिठा ले, जिसने दिक्कत ना हो तो, मन्ने कोई दिक्कत ना है। मैडम अगर आप शेयरिंग कर सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बैठ सकते हो। हाँ भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मुझे ड्रॉप कर दो। चलो भैया। हेलो, हाँ सर मैं बस पहुंच ही रही हूँ इंटरव्यू के लिए। हेलो, हाँ राम फड़े, सांझ रहूंगा भाई, ठीक से। फोन काट। क्या बात होगी मैडम? फोन काट। ठीक है भाई, सांझ ना करूंगा फोन तेरे तो रहे। मैडम क्या बात होगी? तू गवार है क्या? तेरे को दिख नहीं रहा मैं फोन में बात कर रही हूँ? चिल्ला चिल्ला के अपनी गंदी लैंग्वेज में बात कर रहा है। मैडम मेरे दोस्त का फोन था, क्या हो गया? तो दोस्त का फोन ना बाद में भी अटेंड हो सकता है, दिख नहीं रहा मैं कितनी इंपॉर्टेंट कॉल में बात कर रही हूँ? बेवकूफ गई के, कितनी चीप लैंग्वेज में बात करी जा रहे हो गवार। मेरा फोन भी कटवा दिया साथ में। अरे भैया थोड़ी तेज चला लो ना, साइकिल भी तेज चल रही है आपसे। अरे मैडम जितनी स्पीड होगी उतनी तेज तो चलाऊंगा ना, अब चलान कट गया तो आप थोड़ी ना भरोगे। अरे भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप तेज चला लो गाड़ी। आपके कहने से थोड़ी कुछ होता है मैडम। मैडम उसे ही कहने लग रहा है, जो चलान कट गया आप थोड़ी भरोगे, इसने भरना पड़ेगा, अगले का नुकसान होगा। तू ना अपना वो बंद कर, समझा? गांव का गवार गई का, मुझे रूल समझा रहा है। और ये कैब ना बड़े लोगों के लिए होती है, तो जैसे गवार लोगों के लिए नहीं। पता नहीं कहां से बैठ गया इसके अंदर। सॉरी मैडम वो कुत्ता आ गया था सामने। तेरी हिम्मत कैसी है मुझ पे गिरने की? मैडम मैं जान के थोड़ी गिरा हूँ, क्या वाला इनकट मारा है? अरे मैडम मेरी गलती थी, कुत्ता आगे आ गया था, बोल तो रहा हूँ मैं। भैया आप क्या साइड दे रहे हो इसकी? इन जैसे लोगों को तो मैं अच्छे से जानती हूँ, अच्छी लड़की देखी नहीं कि लाइन मारने लग जाते हैं। जब मैडम आपने मेरी गलती लग गए ना, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगू, अगर मेरा स्टैंड है उधर जाऊंगा। मैडम आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे चलो ना भैया, आप कहाँ से आके बैठ जाते हैं। अड़ाक गए, रोक दिए भाई। रोक रहा हूँ सर। क्या रुपये हो गए? सर आपके 400 रुपये हो गए। ले स्कैनर दे। आईफोन के जमाने में एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, गवार कहीं का। हो गए भाई, ठीक है। चलो भैया। जी एक मिनट रुकना भैया। अब क्या हो गया मैडम? भैया मेरा फोन था यहाँ, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने आपको बोला था ना, वो गवार के साथ साथ ना चोर भी निकला, ऐसे लोगों को बिठाते क्यों हो आप? अरे मैडम आप कुछ भी बोल रहे हो, यही कहीं गाड़ी में पड़ा होगा। अरे चोर नहीं है वो। रुको आप यहीं पे। ओए रुक जा, सुनाई नहीं दे रहा, रुक जा। मुझे ना तुझ पे पहले ही शक था। मैडम क्या बात होगी? यही कहीं होगा फोन तो। बोला था ना यहीं कहीं फोन होगा, लापरवाह लोग हैं। अरे मैडम तूने मेरा फोन चोरी करा ना? कहाँ है मेरा फोन, निकाल। मैडम मैंने आपका कोई फोन चोरी ना करा, आप झूठ ब्लेम लगा रही हो। तूने ही मेरा फोन चोरी करा है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैडम मेरे दरवाजे पर कोई फोन ना है। तू ऐसे नहीं बोलेगा ना, अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे मैडम
ये लो आपका फोन, गाड़ी में ही पड़ा था। खाम खा इतना कलेश कर रही हो जब से। मिल गया फोन, फालतू मेरे से रो रही थी। मैडम एक बात ना हमेशा ध्यान रखिए, इंसान की जो कितनी बेइज्जती कर ली है, लेकिन उसके पहनावे की और उसकी बोली की कभी बेइज्जती मत करिए। मैडम किसी ने ना उसके पहनावे से जज निकला करते हैं। आपने एक बार भी सोचा मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ किसा हूँ, और बिना सोचे समझे मेरे पर झूठा इल्जाम लगा दिया। सॉरी भैया, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, और मैंने आपको इतना कुछ सुना भी दिया, मुझे माफ कर देना। मैडम आगे देना ध्यान रखियो, किसी ने जज करने से पहले ना 100 बार सोच लियो। और वो आ गई मेरी गाड़ी। चलू मैं, राम राम। वैसे ये था कौन? जिस कंपनी में आप जा रही है ना इंटरव्यू देने, शर्मा एंटरप्राइजेस, वहां के मालिक हैं। अच्छा वैसे मेरे 200 रुपए हो गए। नंबर लिखिए 9958। हो गए भैया। ओ जब किस्मत में लिखे हुए हो रोड़े, कहां से मिलेंगे पकोड़े पकोड़े, कहां से मिलेंगे पकोड़े पकोड़े।